क्लास टुडे इज 21 जुलाई 2020। क्लास आज हम लोग जो हुर्फ पढ़ रहे हैं उससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं हुर्फ वो रिपीट कर लेते हैं। तो आप सब लोग मेरे साथ पढ़िएगा। इससे पहले हमने जो पढ़ा था अलिफ, अलिफ के बाद हमने पढ़ा था बे, बे की आवाज होती है ब, बे के बाद हमने पढ़ा पे, पे की आवाज होती है प, पे के बाद ते और ते की आवाज होती है त। आज हम लोग जो हुर्फ पढ़ेंगे वो है ट। ट के ऊपर छोटी सी तोएं, तो तोएं जो है ये पूरा हुर्फ है, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में जब हम जाएंगे तो आप उसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा, वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ते के ऊपर छोटी सी तोएं या टोपी। ट टोपी, ट टोपी, ट टैंक, सब मेरे साथ पढ़ेंगे। ट टैंक, ट टमाटर, ट टमाटर, ट टोकरी, ट टोकरी। अच्छा बच्चों, आप लोग ये देख रहे हैं कि ये जो लाइंस लगाई हुई टीचर ने लाइंस ड्रॉ की हैं, ये सिर्फ आपको पहचानने के लिए, आपको पढ़ने के लिए ड्रॉ की गई हैं। आपने इनका कुछ भी नहीं करना, ठीक है? सिर्फ आपने रीडिंग करनी है, जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया ऐसे आपने पढ़ना है, ठीक है? ओके बच्चों, आपने इस हुर्फ की भी अच्छे से पहचान करनी है जैसे आपने पहले हुर्फ पढ़े थे। ओके, थैंक यू। नाउ रिटन वर्क स्टार्ट ऑन द बोर्ड। पेंसिल फेरिए, लिखिए और रंग भरिए। तो क्लास नया हुर्फ लिखने से पहले हम पहले वाले रिपीट कर लेते हैं कि हमने पहले कैसे लिखा था। तो सबसे पहले हमने जो हुर्फ लिखा था वो हमारे पास है अलिफ। आप सबको याद होगा हमने अलिफ लिखा था, अलिफ के बाद हमने लिखा था बे, बे के नीचे हमने एक नुक्ता लगाया था, बे के बाद हमने लिखा था पे, पे के नीचे तीन नुक्ते। आप सबको याद होगा क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की हुई है। पे के बाद हमने लिखा था ते, ते के ऊपर दो नुक्ते, ते के बाद ते, ते के ऊपर छोटी सी तोए। अलिफ बे पे ते ते। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं ते से शुरू होने वाली चीजें। ट टोपी, ट टोपी, ट टमाटर, ट टमाटर। सबसे पहले हम प्रेसिंग करेंगे। यहाँ से आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पेंसिल को रखा, मूव योर पेंसिल, साथ साथ मूव करते हुए लेकर आएंगे यहाँ के नीचे और यहाँ पे लाके आपने स्टॉप कर दिया, ठीक है? और इसके बाद आपने तोए लिखना है। देखिए किस तरह से आपने वन बनाया है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे से टर्न किया आपने और यहीं से आप इसको वापस ले जाएंगे और देखिए कितना प्यारा सा टीचर ने लिखा। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कि टे किस तरह से लिखते हैं। आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पेंसिल को रखा, नीचे लेकर आएंगे और यहाँ से टर्न कर देंगे। टे के ऊपर छोटी सी तोए। अभी बच्चों आपको बनाने नहीं आएगी, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको बनाने आ जाएगी। देखिए ज़रा दोबारा से देखिए, बहुत ईजी है, बस आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आ जाएगी। यहाँ से आपने थोड़ा सा टर्न किया और यहाँ से, ठीक है? क्या लिख रहे हैं हम लोग क्लास? टे, टे के ऊपर छोटी सी तोए और टे की कौन सी शक्ल है? की आधी शक्ल, टे की आधी शक्ल। ओके, अब हम लिखेंगे टे की पूरी शक्ल। यहाँ से आपने आधी शक्ल बना दी, यहाँ से ऊपर ले जाएंगे इसको, थोड़ा सा आगे जाकर ऊपर लेकर गए और ऊपर हमने फिर वैसे ही तोए, छोटी सी तोए बना दी, ठीक है? आधी शक्ल और पूरी शक्ल। अब नेक्स्ट टाइम पे देख लें, अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो दोबारा से देख लीजिए। ओके, आपने यहाँ लिखा, ऊपर छोटी सी तोए बनाई, स्टार्टिंग पॉइंट पे पेंसिल को रखा, टर्न किया, नीचे लाइन के साथ टच किया और यहाँ से छोटी सी तोए बना ली, ठीक है? बहुत गौर से देखिएगा टीचर कैसे लिख रही है, आपको लिखने आ जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, ठीक है? ओके, हम लिख रहे हैं टे की आधी शक्ल और यहाँ पे है टे की पूरी शक्ल। आधी शक्ल बनाई आपने, यहीं से पेंसिल को ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर लेके थोड़ा सा फिर यहाँ पे छोटी सी तोए बनाते हैं, ठीक है? लास्ट देखें जरा बोर्ड पे, आज हमने लिखा है टे की आधी शक्ल और पूरी शक्ल। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है टे की भी, ठीक है? थैंक यू। नाउ रिटन वर्क स्टार्ट। ओपन योर कॉपी,
पेज नंबर 1010। तो इस पेज पे काम करने से पहले हम लास्ट पेज देख लेते हैं कि पहले हमने कौन सा काम किया था। लास्ट पेज पे हमने काम किया था, लिखा था हमने ते। ते के ऊपर हमने दो नुक्ते पढ़े थे और हमने रिटर्न वर्क किया था पेज नंबर 8 पे। और पेज नंबर 9 जो था वो हमारा मतलब प्रैक्टिस पेज था हमारा। और आज हम लोग जो करेंगे पेज नंबर 1010। तो क्लास हम लोग पहले बोर्ड पे हम पढ़ चुके हैं, कौन सा हरूफ है ये, टे। टे के ऊपर छोटी सी तोएं। सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे 21 जुलाई 2020। पेंसिल फेरिए, लिखिए और रंग भरिए। तो आज हम लोग लिखेंगे टे। टे के ऊपर छोटी सी तोएं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लोग बे लिखते हैं उसी तरह से हम लिखेंगे टे। टे के ऊपर छोटी सी तोएं, ठीक है, बे की तरह आप बनाएंगे इसको और ऊपर छोटी सी तोएं बनाएंगे। सही, आपने इसी तरह से लिखना है जैसे आपको टीचर बता रही हैं। आपने बे की तरह बनाया और थोड़ा सा आप इसको टर्न करेंगे यहाँ से और छोटी सी तोएं बनाएंगे। सही, ये हमने टे की आधी शक्ल लिखी है और अब हम लिखेंगे टे की पूरी शक्ल। टे की पूरी शक्ल हमने पहले आधी शक्ल बनाई, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और ऊपर हम छोटी सी तोएं बना देंगे। ओके क्लास, देखिए ज़रा टीचर ने किस तरह से लिखा, आप भी इसी तरह से गौर से देखें और लिखें इसी तरह, ठीक है। आप नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं, बे की आधी शक्ल बनाई और ऊपर छोटी सी तोएं लगाई, तो हमने ये लिख लिया हमने टे, टे की आधी शक्ल। अभी बेटा आपको छोटी तोएं लिखने नहीं आ रही होगी, लेकिन आप लोग कोशिश करें, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे तो आपको छोटी तोएं भी लिखने आ जाएगी, ठीक है। आपने इस तरह से बनाया, लाइन के साथ आपने टच करना है और ये छोटी सी तोएं बन गई आपकी, ठीक है। कॉपी को आपने बिल्कुल क्लीन रखना है, ख़राब नहीं करना आपने। और अब हम लिख रहे हैं टे की पूरी शक्ल। टे की आवाज़ होती है ट, ठीक है, ये छोटी सी तोएं बन गई। देखिए टीचर ने कितनी सफाई से लिखा है। आपने पेज नंबर 10 पूरा कंप्लीट करना है। आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, जल्दी नहीं है, आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो अच्छा सा काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये पूरा पेज आपने कंप्लीट करना है। क्लास सबसे पहले हम इसमें टे की आधी शक्ल में ट्रेसिंग करेंगे। यहाँ से पेंसिल को मूव किया आपने डॉट के साथ साथ, ठीक है, और इसके बाद हमने तोएं की ट्रेसिंग करनी है छोटी सी तोएं की। और यहाँ से आपने टर्न किया इसको, जी ये आपकी छोटी तोएं की ट्रेसिंग होगी, ठीक है। और अब हम कलर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट टोपी, ट टमाटर। तो क्लास आपने वैसे देखा होगा टमाटर में कौन सा कलर होता है, रेड। तो टमाटर में हम करेंगे रेड कलर, ठीक है। आपने बहुत अच्छा सा काम करना है, कलर करना है। तो देखें टीचर आपकी किस तरह से कलरिंग कर रही हैं, सही है, आउट नहीं करना। अगर आउट हो जाए तो आप साथ में इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन कोशिश करें कि आउट ना हो। बहुत अच्छा सा कलर करना है आपने। देखें टीचर आपकी कितने अच्छा सा कलर कर रही हैं। तो आपने पेंसिल को इसी तरह से मूव करना है ऐसा ऐसा से, ठीक है जी। और आपने यहाँ से इसको मूव किया, कौन सी पिक्चर में हम कलर कर रहे हैं, टमाटर। टमाटर में रेड कलर होता है, या उर्दू में हम उसको लाल रंग कहेंगे, ठीक है। और हम पढ़े हैं ट, ट टमाटर, टे के ऊपर छोटी सी तोएं। जी क्लास देखें रेड कलर कंप्लीट हो गया हमारा। अब जो ऊपर हैं यहाँ पे हम लोग करेंगे ग्रीन कलर, ग्रीन या हरा रंग। आपने देखा होगा टमाटर, तो उसमें ऊपर जो लीव होते हैं इसके या टहनी होती है तो वो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। ये है ग्रीन या हरा रंग, ठीक है। बहुत प्यारा सा कलर करना है, स्लो स्लो करेंगे तो आपका कलर आउट नहीं होगा। अभी आप लोग छोटे हैं, अगर आपका कलर आउट हो जाए तो इसको इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है।
कोशिश करें कि आप किसी बड़े के पास बैठकर अपना काम करें, ठीक है, मम्मा के पास या किसी बड़े के पास, ताकि वो आपको गाइड करते रहें। ठीक जी, नेक्स्ट हमारे पास है टा टोपी। तो क्लास, मैं तो अभी इसमें ब्लू कलर कर रही हूँ, तो आप चाहें तो जो आपको कलर पसंद है आप वो कलर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। कुछ बच्चों को रेड कलर पसंद होता है, कुछ को ऑरेंज कलर पसंद होता है, कुछ को रेड या कुछ को ग्रीन। तो आप ग्रीन कलर की भी बना सकते हैं अपनी कैप या टोपी जो है, ठीक है। ये हमने ब्लू कलर किया और यहाँ पे हमने, यहाँ भी हमने ब्लू कलर कर दिया। आपने स्लो स्लो करना है कलर, ताकि अच्छा सा कलर हो जाए। जी क्लास, ये हो गया आपका टोपी में कलर हम कर रहे हैं ब्लू। और ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा हम बीच में इसके ऑरेंज कलर भी कर लेते हैं। चलें देखिए ऑरेंज कलर कैसा लग रहा है। जी ऑरेंज और ब्लू इसमें कलर कर रहे हैं हम लोग टा टोपी, टा टोपी। जी तो यहाँ भी हम ब्लू कलर कर लेते हैं। जी क्लास देखें ज़रा, आप पेज देखें, पेज नंबर 10 है। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा पेज। आपने बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही काम कंप्लीट करना है, आपने इस पेज को कंप्लीट करना है। और अगर आपके पास टाइम हो या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पे कर सकते हैं, ठीक है। और इसको भी आपने इसी तरह करना है कंप्लीट। ओके थैंक यू। कुरानी दुआएं, सीढ़ियां उतरने की दुआ। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। फिर से पढ़ेंगे हम, सीढ़ियां उतरने की दुआ। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। सीढ़ियां उतरने की दुआ। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है।